कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा नहीं, कितना अच्छा? अब जितना अच्छा आप समझ सकते हो उतना अच्छा लग रहा है। अच्छा अवधेश जी, आप मुंबई पहली बार आए हो? नहीं, कई बार आए। मुंबई कैसी लगती है? कई बार हम आए, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, पार्टी के और कार्यों में आए तो एक शादियाँ थी उसमें मैंने शिरकत किया है, तो कई बार आना हुआ है। लेकिन आज का आना अलग होगा, आज का आना यानी जीत के बाद, अयोध्या जीतने के बाद आज का आना, आने में आपको जो खुशी होगी वो अलग है। यहाँ स्वागत हुआ, यहाँ बड़ा उत्साह देखा भाई अबू हाशिम जी के नेतृत्व में और उनके साथियों के, जगह जगह स्वागत। कल 2 बजे हम आए, 9 बजे की हमारी प्लेन थी, 2 घंटा लेट थी, और कम से कम 200 कार्यकर्ता समर्थक रात को 1:30 बजे हवाई अड्डे पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और सुबह से लेकर और आज तक जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है। कई बार आना हुआ लेकिन इतना बड़ा उत्साह और इतना बड़ा सम्मान आज पहली बार हमें मिला है। इसके लिए साथी अबू हाशमी जी को, उनके सभी साथियों को और यहाँ के पार्टी के नेताओं को और यहाँ के सम्मानित जनता को के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको नमन करते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं। आपका स्वागत भी बहुत जोर से, जब आपका नाम पुकारा गया तो सारा हॉल जो है वो खड़े होकर बोल रहा था, वो तब कैसे? नॉट केवल यहाँ लेकिन पूरे देश में है। लोकसभा में हम बैठते हैं तो वहाँ भी बस राहुल और अखिलेश आपको देखते हैं, वहाँ भी जय अवधेश के नारे लगते हैं, और जैसे गाड़ी से हम उतरते हैं मीडिया के लोग घेर लेते हैं, तमाम लोग सेल्फी लेते हैं, तो आज पूरे देश में और सारी दुनिया में चर्चा है। निगाहें तो लोगों को पहले थी, चुनाव पहले अयोध्या की तरफ निगाहें देश की थी, विदेश के लोगों भी थी, और जब से हम चुनाव जीते 4 जून से पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। 2 तरह की चर्चा है, एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हारी कैसे। उसने कहा हम राम को लाए हैं, उसने कहा हम मंदिर बनवाए हैं, उसने कहा एरोड्रम लाए हैं, उसने कहा हम बड़ा विकास किए हैं, और उसके बाद जो है बुरी तरह से हारे हैं, तो कैसे हारे हैं इस बात की चर्चा है, लोगों की जिज्ञासा है। मैं पूछता हूँ कैसे हारे पे, वो आपकी जीत में क्या क्या हुआ ये मैं पूछूंगा, लेकिन अवधेश जी ये बताइए, मेरा एक सवाल है, 400 पार का नारा था, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे नरेंद्र मोदी, भाजपा कार्यकर्ता कह रहे थे, उससे पहले यानी वोटिंग के पहले का माहौल कैसे था? अवधेश जी को थोड़ा ऐसा लगा था कि थोड़ा सा हार जाएंगे या जीत नहीं पाएंगे, ऐसा क्या माहौल था जब आप प्रचार को निकलते थे? नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं। ये 6 महीने पहले जब हमारा नामिनेशन कह लिए या उम्मीदवारी कह लीजिए, अगले जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, सूची नहीं जारी किया, हमसे कहा कि अयोध्या से आप जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा आपके मुकाबले हारेगा। इतना विश्वास था 101%। क्या वजह क्या और नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जब 15 मई को वो एक सभा थी, लाखों की भीड़ थी, तो मेरी तारीफ कर रहे थे 6 बार के मंत्री, 9 बार के विधायक, आपके लोकप्रिय नेता और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। अरे मैंने कहा मैं पूर्व विधायक हूँ, वो वीडियो सारे लोगों ने देखा, तो अभी विधायक हूँ भाई, पूर्व विधायक कैसे कह रहे हैं? कहीं नहीं नहीं आप विधायक नहीं, सांसद हो चुके हैं, इसलिए मैंने कहा। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, 6 मंथ पहले उन्होंने कहा था, और जब 15 मई को मवई में सभा में गए थे तब उन्होंने कहा, तो इट
इट वॉज मेरली हिज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही था और हमको भी कॉन्फिडेंस था, आपको भी था कॉन्फिडेंस 100% मुझे कॉन्फिडेंस था। वहाँ तो राम मंदिर बना था, राम जी आए थे वहाँ, ऐसा बीजेपी कह रहे थे। ऐसा है, राम बीजेपी बहुत कुछ कह रही थी कि राम को हम लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन एनीबॉडी भी बिलीव कि राम को लाने वाले ये लोग हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कैन यू बिलीव कि भारतीय जनता पार्टी ने राम को 22 जनवरी को लाए? अरे भाई, राम तो अनाद काल से आए हैं, रामचरितमानस बहुत पहले लिखा गया है और तुलसीदास ने बहुत पहले लिखा था कि दैविक भौतिक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, हजारों साल पहले लिखा था। और ये कहते हैं हम 22 जनवरी को लाए हैं, तो ये बहुत गलत बयानी किया है। ये राम को लाने वाले लोग, राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर इस देश में महंगाई करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम को लाने वाले लोग नहीं। यूपी में संदेशा दिया है, इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति का खात्मा हो गया है और अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, आरक्षण के आधार पर और पीडीए के आधार पर इस देश में राजनीति चलेगी। और अब धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। यूपी में 36-7 मिले, 36-7 सीट मिली, कभी लगा था यूपी में फिर से ऐसे उभर पाएगी सपा? नॉट ओनली 37, अगर हमारे मतगणना में कुछ धांधली न होती और चुनाव समय, तो हम कम से कम 50 सांसद जीत के बैठते, 50-50। और ये तो कह रहे थे 80 में 80, 400 के पार कह रहे थे ना, 400 के पार 80 में 80 ये कह रहे थे। तो इनके बात को सम्मानित जनता ने नकार कर दिया। आप मुंबई की जमीन पर है, आज महाराष्ट्र की जमीन पर है, मैंने एक बैनर देखा है कि यूपी तो जीत गए, हाँ यूपी में जीत भारी और अब महाराष्ट्र की बारी। तो महाराष्ट्र का जो माहौल है, तो कैसे आप आगे जाएंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ जाओगे या फिर अलग कोई गठबंधन होगा, क्योंकि लोकसभा में सीटें नहीं मिली है सपा? देखिए सुनिए, लेट मी से, देखिए हम चुनाव लड़े, वो बात सही है, समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन का नारा, ठीक है ना, लेकिन इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, जनता महान होती है। तो उसी तरह ये जो सीटों के तालमेल के बारे में, ये तो हमारे नेता के ऊपर है, उनका अनुभव काम कर रहा है और देखा आपने इतना बढ़िया टिकट दिया कि इतनी अच्छी जीत हो गई, तो उसमें कोई महाराष्ट्र की क्या रणनीति, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो बैनर पे देखा मैंने अभी महाराष्ट्र को, देखा होगा आपने बैनर पे देखा होगा, लेकिन मैं आपको भविष्य की बात बता रहा हूँ कि चुनाव में सीटों के तालमेल में किसी प्रकार की परेशानी, प्रॉब्लम, हिंड्रेंस नहीं पैदा होगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है, अब उनका पहला टारगेट है महाराष्ट्र को जी। अरे भैया ये बताओ, मोदी जी तो अयोध्या पे बनाए थे, 3-3 बार रैली किए, 22 तारीख से लेकर मोदी जी, अडानी जी, देश के सारे मुख्यमंत्री, इनकी जो पार्टी के सारे राज्यपाल, सारे धरना सेठ और इवन महामहिम राष्ट्रपति भी गई। हम ये नहीं कहते चुनाव में गई, अगर उनको जाना था तो एट द टाइम ऑफ 22 जनवरी जाती। एक तरफ चुनाव 15 दिन का है और हमारे देश की महामहिम जी जा रही हैं, हम उन पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं, महामहिम हैं, उनका संवैधानिक सम्मान करते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति गए तो 3-3 बार मोदी जी गए, रोड शो किया,
मोदी जी तो स्वयं लड़ना चाहते थे, अब वो जांच पड़ताल हुई, उनको बताया गया कि सिक्योर सीट नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अवधेश प्रसाद जमीनी नेता है, कार्यकर्ता है और सभी जात बिरादरी में उसकी लोकप्रियता है, वो सीट सेफ नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है अवधेश जी, ठीक है देश में लोग आपको आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लोकसभा में आपका नाम लेते हैं और हर एक कमेंट जो है अयोध्या के नाम पे चलती है, घर में क्या, घर में जब आप जीते तो घर में क्या रिएक्शन, घर में मैंने क्या रिएक्शन क्या था? पहला फोन किसका आया? ऐसा है हमारा घर का जहाँ तक सवाल है, हम 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री और 2 बार राजमंत्री। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। तो मेरा तो परिवार एक तरह से सब लड़के बच्चे सब राजनीतिक हैं, तो उनको कोई ऐसी बात नहीं लगी। उनको तो ये था कि सरकार बनेगी और सरकार में ऊंचा पद मिलेगा, ये सारी उम्मीदें थीं, आज भी हैं उम्मीदें।